Anyways, we shall wait for around 2-3 minutes, then we'll start. By the time, Manas, Yes, sir. you do one thing, you just upload that chapter here. Sir, आज मेरा PDF वाले ऐप पे प्रॉब्लम आ गई है, मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा. Okay. Anyways, somebody else? Anyone else can share the PDF? Yes, sir. All right, Krishna, go ahead. सर कर दिया. ओके, तो हम यहां पर थे डिपॉजिट्स विद बैंक. एक काम करता हूं, मैं आई एम गोना आस्क इन सर द ऑफिस. सर ये हो गया था शायद से. इस चैप्टर पूरा हो गया? नहीं, नहीं सर, मतलब सर ये टॉपिक हो गया, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक से स्टार्ट करना है. ठीक है, वहां से कर देते हैं शुरू, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम गोना डू वन थिंग, आई एम गोना जस्ट आस्क क्विकली इन माय ऑफिस कि और कोई स्टूडेंट जुड़ रहे हैं क्या, अदरवाइज वी विल स्टार्ट. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट.
बच्चों विल वेट फॉर अराउंड 1 मिनट मोर देन वी विल स्टार्ट राइट. बाय द यस टाइम सर। यू जस्ट जस्ट क्विकली रिव्यू द पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास. ठीक है, एक बार उसको पढ़ लो, उसका रीजन फिर आई जस्ट आस्क सम ओरल क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल. ठीक है, जस्ट क्विकली टेक अ रीकैप इफ यू हैव बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्क्रॉल इट अप. कृष्णा जस्ट स्क्रॉल इट अप फ्रॉम द अबव द पेज नंबर वन ओके टू. सर, द स्टार्टिंग से ओके हाँ, पेज नंबर वन टू. ऑब्वियसली नॉट दिस बेटा, ओवरव्यू वाले पार्ट से. हाँ, ये बार्टर सिस्टम से लेकर के नीचे का पूरा. एवरीबडी जस्ट गो थ्रू दिस, आई एम गोना आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट एज वेल. सर कल टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? बच्चों शेल वी स्टार्ट? आई बिलीव एनफ ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम. जो भी बाकी आएंगे वो फिर दे विल बी गेटिंग ऑलरेडी दिस रिकॉर्डेड वीडियो. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट राइट. यस ठीक है, तो जो हमने अभी ऊपर एक बार पढ़ा था वो मैं चैप्टर के लास्ट में एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लूंगा. अभी हम फटाफट से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो व्हाई डोंट एनी वन ऑफ यू जस्ट स्टार्ट सर। रीडिंग. लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स. यस सर, वहीं से स्टार्ट करना है। यस सर, ठीक है, तो कौन स्टार्ट करेगा? नारायण, मानस और नारायण. ठीक है, नारायण पहले फिर मानस. ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। In this way, banks mediate between those who have surplus funds and those who are in need of these funds. Banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on deposits. The difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositors is the main source of income. So, मैं continue करूँ कि सर।
बच्चों, यस सर, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर, यस यस सर, आवाज़ है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ऑलराइट, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। ठीक है, हमको पहले ये समझना होगा कि बेसिकली लोन क्या है, और बैंक्स का थोड़ा बहुत आइडिया भी हम लोग को है कि बैंक्स क्या होते हैं। यस सर है, यस सर, यस सर, यूजुअली हम उसमें अपने पैसे रखते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट मिलता है, या फिर वहां से हम उसमें हम अपना लॉकर भी डाल सकते हैं, उसका हम पे करते हैं, या फिर वहां से हम लोन ले भी सकते हैं जिसपे हम इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, हमें वहां से बहुत सारे तरह के लोन मिल सकते हैं, जैसे हम चाहें तो पर्सनल लोन ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लोन ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, हाउस और लोन ले सकते हैं, तो बहुत सारे तरह के लोन्स वहां से हम ले सकते हैं। एक्चुअल में बैंक्स का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक तरीके का बार्टर सिस्टम जब था तो उसी से स्टार्ट हुआ था बैंक, वहीं पे याद है आपको, स्लिप बना करके देने वाली चीज, यस सर, यस सर, आपने बताई थी, याद है बच्चों? यस यस सर, सर, याद है अंग्रेज वाले वाले टाइम टाइम पे पे, ना। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? यस सर, यस सर, एम आई ऑडिबल? यस यस सर, यू आर ऑडिबल। यस सर, बच्चों आई डोंट नो व्हाई एम आई नॉट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। सर, यू आर ऑडिबल। ओके ओके, ठीक ओके राइट। सर हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? सो हाँ, मुझे बहुत कम, किसी किसी का रिस्पांस आ रहा है, बाकी सबका रिस्पांस नहीं आ रहा है। ओके सर, एनीवेज, अभी मेरी आ रही सबको? यस सर, यस सर, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। तो हमने जो लोन्स की और जो बैंक्स की बात पढ़ी थी, तो बार्टर सिस्टम में पढ़ी थी, याद करो, आप लोगों को याद आएगा कि अब कोई भी वैल्यूएबल चीज जो है वो हम एक जगह से लेकर के दूसरी जगह देते थे, और बदले में उसके हमें एक स्लिप मिल जाती थी, याद है ना? यस सर, तो वहीं से ये चीजें आगे बढ़ी और बैंक ने शेप लिया। नाउ मेन चीज क्या है, उनका जो मेजर पोर्शन होता क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उनके पास 10 रुपए हैं, राइट? तो व्हाट दे गोना डू, इट इज बेसिकली ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, वो हर एक गवर्नमेंट का बैंक का अलग अलग होता है। अराउंड 80% वो लोग अपना लोन प्लेज कर सकते हैं, जो भी उनके पास पैसा है। अब बैंक का अपना पैसा तो होता नहीं है, वो इट इज ऑफ समवन एल्स, यस सर, लाइक अस पीपल, लाइक कॉमन पीपल, जो उसमें जमा करते हैं लोगों को जो लोन लेना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको बैंक ने कहा ठीक है, आप अपना पैसा हमारे यहाँ जमा करके रखो, ठीक है, वी गोना गिव यू अ एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 4% और 5% और 6% वॉट सो एवर, हम आपको एक इंटरेस्ट देंगे। सर आप कुछ बोल रहे हो? अभी मेरी आवाज आ रही है बच्चों?
Yes, sir. Okay, I was, I don't know how I was thrown out of the meeting. Anyways, तो क्या होता था, क्या बता रहा था, हाँ ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल उनके पास 10 रुपए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम 4% के हिसाब से हम ये 8 रुपीज तक वो किसी को लोन दे सकते हैं. तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको 4%, 5%, 6% जो भी वो बेसिक इंटरेस्ट देते हैं, अलग अलग बैंक्स में अलग अलग है ठीक है. जो बड़े बैंक है उसमें 4%, 5% है, जो नए खुल रहे हैं तो वो अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को अपनी तरफ 4-5% to 6% तक इंटरेस्ट देते हैं. लेकिन वो चार्ज कितना करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पर्सनल लोन लिया 15-20% अप टू लाइक लगभग 20% तक भी वो चार्ज करते हैं आपसे. तो उनकी मेजर इनकम जो होती है वो इसी से होती है कि वो लोन दे रहे हैं और बदले में उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट. वरना वो सैलरी कहाँ से वो दे पाएंगे आपको, जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी कैसे मिलेगी. तो ये चीज यहाँ से आती है, हमको बैंक का समझने का तरीका कि भाई बैंक कैसे काम करता है वो समझ में आता है थोड़ा सा. Banks make use of deposit to meet their loan requirement of the people. In this way, banks mediate between those who have surplus funds and those who are in need of these funds. Banks charge a higher interest rate on loans that they offer deposit. The difference between this charge from borrowers and what is paid to depositor is main source of income. ठीक है बच्चों, इस समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों Yes, sir. बच्चों Yes, sir. आपको हमारी आवाज नहीं आ रही. Yes, sir. मेरी आवाज बहुत स्लो आती है क्या, पीछे से बीच में रुक जाती है क्या? No, sir. No, sir. सर आपकी आवाज तो सही आ रही है. सर आप हेडसेट से कनेक्टेड हो क्या? ब्लूटूथ के थ्रू? नहीं सर, फिर उससे दिक्कत हो सकती है ना सर, क्या पता वो डिवाइस में दिक्कत हो. नहीं नहीं मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि इंटरनेट का इशू है. ओके, मेरे ख्याल से पिंग हाई होगी. एनीवेज इसको स्क्रॉल कर दो बेटा. सर मनी इज क्रेडिट वाला ही तो पढ़ना है बेटा, चैप्टर तो सही है, इसको स्क्रॉल तो कर पूरा. अभी वो हो गया पैराग्राफ, उसके बाद वाला जो. अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है. व्हाट इज क्रेडिट? ठीक है ठीक है. और नेक्स्ट इसके लिए बोला था मैंने सर. मुझे पढ़ूं? मानस. यस सर. ठीक है मानस, गो अहेड. ओके सर. व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन प्रोडक्शन. In rural areas, the main demand for credit is for crop production. Crop production involves considerable costs on seeds, fertilizers, pesticides, water, electricity, repair of equipment, etc. Repayment of loan mainly depend upon the income of from farming. Credit source formal banks and cooperatives, source informal money lenders. ओके देखो, क्रेडिट बेसिकली क्या है? क्रेडिट एक्चुअल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हालांकि ये मनी की तरह ही है, लेकिन एग्जैक्टली कोई मनी की कोई करेंसी नहीं है ठीक है. ये कोई भी करेंसी हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये किसी भी तरह की चीज हो सकती है. इट डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी मनी, राइट. मनी कैन बी अ पर्टिकुलर करेंसी, वेल क्रेडिट कैन बी ऑफ एनी थिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर बना रहे हो और आपको घर में ईंटें ब्रिक्स लाने की जरूरत है, और ब्रिक्स आपको पैसे से मिलेंगी, तो अगर आप पैसे किसी से ले रहे हैं तो मनी आपके अकाउंट में आ रहा है. लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ईंट ही किसी से ले लिया, आपके दोस्त है, उसने कहा ठीक है यार टेंशन ना ले, मेरे कोई फर्नेस है मेरे पास और मेरा वहां से मैं तेरे को दिलवा दूंगा, तो वो ईंट हो गई क्रेडिट, जबकि वो मनी नहीं है, राइट. क्लियर है?
और इस क्रेडिट का हम कई जगह यूज कर सकते हैं, जैसे गांव के एरियाज में जहां पर मेन डिमांड जो क्रेडिट की है वो बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन के लिए है, राइट, यूरिया परचेज के लिए है, पेस्टिसाइड्स परचेजिंग के लिए है, क्रॉप सीड्स परचेजिंग के लिए है, ट्रैक्टर्स, मशीनरीज, ठीक है, थ्रेशर्स, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, फर्टिलाइजर्स, इन सब चीजों की जरूरत है, ठीक है। तो ये सब चीजों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है यहाँ पर, अगर हम उसको क्रेडिट की तरह से, अगर क्रेडिट हमको मिलता है तो वी गेट बेनिफिशियल, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ द लोन मेनली डिपेंड ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग, वो खासतौर से, यस यस, मनी कैन बी क्रेडिट बट क्रेडिट कैन ऑलवेज नॉट बी मनी, ठीक है। सी, मनी कैन बी बोथ क्रेडिट एंड डेबिटेड, क्योंकि वो आपके अकाउंट से अगर आ रहा है, अगर आपके अकाउंट में आ रहा है तो क्रेडिट होगा, और आपके अकाउंट से जा रहा है तो डेबिट होगा, ठीक है। लेकिन अभी उसमें नहीं पढ़ते, अगर सिर्फ क्रेडिट और मनी को ही देखते हैं तो हाँ, मनी कोई भी हो वो क्रेडिट हो सकती है, लेकिन क्रेडिट जरूरी नहीं है कि वो मनी ही हो, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इनका लोन जो होते हैं उनकी रीपेमेंट कैसे होती है, उसके लिए हम देखते हैं कि वो मेजरली जो है एग्रीकल्चर बेस्ड ही होते हैं लोग, ऑब्वियसली भाई फार्मिंग करेंगे, वहां से क्रॉप का सेलिंग करेंगे, वहां से पैसे आएंगे, फिर लीव पे करेंगे, ऐसे ना होता है, ठीक है। ट्रेड सोर्स, फॉर्मल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, इनफॉर्मल मनी लेंडर्स। अब क्रेडिट दो तरह का हो सकता है, एक तो फॉर्मल जैसे कि आप बैंक से ले लें या कोऑपरेटिव से ले लें, एक इनफॉर्मल होता है जैसे जो आपके मोहल्ले में कोई मनी लेंडर्स हैं, कोई ब्याज पे पैसा देते हैं, ठीक है, तो कोई इस तरह के लोग, या किसी और से व्यक्ति से, आपने नॉर्मली अपने दोस्त से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने किसी कुलीग से, किसी स्कूलमेट से, मतलब किसी भी व्यक्ति से जो आपका नोन या अननोन है, अगर उससे आप पैसा लेते हैं, अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का नहीं है जो ऑफिशियल और गवर्नमेंट के उससे हो, तो वो इनफॉर्मल कहलाता है। चाहे आपने अपने पेरेंट से भी 10 रुपए उधार ले लिए हैं तो भी वो एक इनफॉर्मल लोन कहलाएगा, लेकिन अगर आप बैंक से पैसा लेते हैं, किसी कोऑपरेटिव से पैसा लेते हैं, अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस से पैसा लेते हैं, किसी आप LIC वाले कंपनी से पैसा लेते हैं, तो फिर ये एक फॉर्मल लोन कहलाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट। ऑलराइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड लोन? देखो, लोन वी हैव टू रीपे, राइट, बट क्रेडिट क्रेडिट इजंट ऑलवेज हैव टू बी रीपेड। क्रेडिट कैन बी ऑफ एनीथिंग ना, फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे जॉब किया, आपके अकाउंट में पैसा आ गया था, यू डोंट हैव टू रीपे दैट रो, बट अगर आपने किसी से लोन लिया देन यू हैव टू रीपे इट, ठीक है। सर सैलरी एक तरीके की क्रेडिट पेमेंट यानी दान। है, नहीं, पैसा आना, क्रेडिट आपके अकाउंट में पैसा आना, सिंपल सिंपल भाषा में कहेंगे सैलरी तो क्रेडिट आपके अकाउंट में कोई भी चीज आना, पैसा आना या कोई भी उससे रिलेटेड गुड्स आना, जिसको आपकी रिक्वायरमेंट, आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो, ठीक है। तो फिर उसे पे नहीं करना होता क्रेडिट को। डिपेंड करता है ना कैसा क्रेडिट है, अगर आपने किसी से उधार लिया है तो बिल्कुल करना पड़ेगा, मतलब अगर लोन आपने किसी को क्रेडिट उधार दे रखा था, आपने किसी को पहले उधार दे रखा था और उसने आपको वापस कर दिया, ऑब्वियसली नहीं पे करना। आपके किसी दोस्त से आपने उधार लिया था, आप उसको पे कर रहे हो, बिल्कुल पे करना है। अगर आपको किसी से पैसा आ रहा है, आपने कोई जमीन बेची, आपने कोई शेयर्स बेचे, आपने कोई कंपनी बेची, आपने कोई भी सामान बेचा, प्रोडक्ट बेचा, उससे जो पैसा आया वो क्रेडिट है, लेकिन वो आपको वापस नहीं करना है। सो लोन हैज टू बी रीपेड बट अ क्रेडिट इज नॉट ऑलवेज टू बी रीपेड। क्रेडिट इज समथिंग इनकमिंग इन योर अकाउंट, राइट, एनी इन सॉर्ट ऑफ इनकमिंग, बी इट कैश और बी इट काइंड, ओके सर। चलो इसको पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहता है? कृष्णा, समय आया। ठीक है कृष्णा, पढ़ो।
ओके सर, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट, इट हेल्प्स द पीपल टू परचेज हाउसेस. सेकंड, इट हेल्प्स द बिजनेसमैन टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस. थर्ड, द डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग रेट एंड बोरोइंग रेट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक्स. फोर्थ, in rural areas the main demand of credit is for top product. Farmers usually take crop loans as the at the beginning of the season and repay the loan after harvest. Repayment of loan is crucial, depend on the income from farming. Sab padh diya. Okay, now importance of credit. Anybody wants to explain this? Very easy. Already main bata chuka hu. Manas? Okay, Manas, you go ahead. Okay, sir. Sir, इस paragraph में हमें जो credit की importance है वो समझाई गई है. Sir, पहला जो point है वो है, it helps people to purchase the houses, sir. कई बार जो houses की cost होती है, वो जितनी लोगों के पास अभी ready available cash होता है या फिर जो account में पैसे होते हैं उससे काफ़ी कम होती है सर, तो लोग होम लोन ले सकते हैं या फिर जिससे उनके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं कुछ पैसे और उससे सर वो परचेज कर सकते हैं. उसके बाद वो मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसको पे करके वो बैंक को पे कर सकते हैं, उनको हाउस भी मिला, बैंक को भी फायदा हुआ. सर सेकेंड पॉइंट है, इट हेल्प्स अ बिजनेस मैन टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस. मतलब सर मतलब अगर कोई बिजनेस मैन है सर, उसकी एक स्मॉल शॉप है, तो सर वो बैंक से लोन लेके सर अपनी एक बड़ी शॉप या फिर एक शोरूम में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे वो और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे सर, और इससे उसकी उसका प्रॉफिट होगा सर बहुत ज़्यादा. और सर इसके बाद हमें बताया गया है कि एक क्रेडिट की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये बैंक को मतलब इनकम देती है. डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग रेट और बोरिंग रेट, मतलब सर जो जिस रेट पे मतलब जो इंटरेस्ट बैंक लोन देने पर लेता है और जो इंटरेस्ट बैंक कस्टमर से डेबिट रखने पर देता है, जो उसका डिफरेंस होता है वो हमारा इनकम ऑफ द बैंक कहलाता है. जैसा सर आपने बताया था कि अगर बैंक 5% मतलब किसी को इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो सर वो उसी अमाउंट पे मतलब सर जो कस्टमर को लोन देगा वो 10% 15% लेगा सर. सर तो फिर जो माइनस करके अमाउंट आता है वो इनकम ऑफ द बैंक कहलाती है. और सर फिर हमें बताया गया है कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जो क्रेडिट होता है सर, उसका मेन यूज़ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होता है. फार्मर्स जो हैं वो लोन क्रॉपिंग सीजन के बिगनिंग में लेते हैं और वो ये ऐसा फिर जब हार्वेस्ट एक बार हो जाती है तो उसके बाद उसे रिपेमेंट करते हैं सर. तो जो रिपेमेंट है सर वो डिपेंडेंट है इनकम फ्रॉम फार्मिंग से, क्योंकि अगर सर इनकम नहीं हुई या फिर किसी भी कारण क्रॉप फेल हो गई तो सर वो उस टाइम पे उसको वापस रिटर्न पे भी नहीं कर पाते हैं, पे बैक नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका भी नुकसान होता है सर. इसके लिए क्रॉप का अच्छा होना और फार्मिंग से इनकम होना काफी जरूरी है सर. बिल्कुल. तो ये एग्जांपल्स मैं दे भी चुका हूँ, ठीक है, और आई बिलीव ये सबको समझ में आ गया. इसको आगे एक्सप्लेन करें या बढ़े? आगे बढ़े. यस सर. यस सर. डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट. Anybody wants to read? Rishabh? Manoj? ठीक है मनोज तुम पढ़ो. Okay sir. Disadvantage of credit. Banks charge a very high rate of interest, which mean a large part of earning of the borrowers is used to repay the loan. Second, if the borrower fails to repay the loan, the bank has right to sell the assets of the borrowers. Third, if loan is used for unproductive activities, the borrower can be pushed into a debt trap. Fourth, banks don't provide credit to the poor people as they don't have any approved security. ओके नॉट बेसिकली देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द बैंक चार्जेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट
which mean a large part of coming of the borrowers is used to repay the loan. मतलब कि बेसिकली जो बोरोअर है जिसने वो पैसे लिए हैं, जिससे वो उसकी अर्निंग आएगी ना, वो बेसिकली उस लोन को ही रीपे करने में चली जाएगी, क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने 100 रुपए लोन दिए हैं, तो वो लगभग 20 रुपए तक पर ईयर आपसे इंटरेस्ट ले सकते हैं, विच इज ह्यूज ह्यूज, लाइक 1/4 ऑफ द अमाउंट और 1/5 इज द अमाउंट यू आर मेकिंग पेमेंट एज एन इंटरेस्ट ओनली. फॉरगेट प्रिंसिपल, फॉरगेट योर सेविंग, फॉरगेट अदर थिंग्स. ठीक है. और अगर वो लोन रीपे करने में व्यक्ति जो है वो फेलियर रहता है, तो क्या होगा? देन दे हैव ऑल द राइट्स टू सेल द एसेट्स ऑफ द बोरोअर. मतलब फिर वो जिसे उन्होंने कुछ भी मॉर्गेज करा है, तो वो उसको बेच सकते हैं. मान लीजिए उन्होंने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया था और वो लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को बैंक वाले उनको सील कर लेंगे और उसको फिर बेच करके अपना पेमेंट जो है उसको लेके. यस सर. अगर मान लीजिए वो लोन, इनका इंटरेस्ट रेट भी होता है ना, जिससे ज्यादा लोन नहीं ले सकते अगर उनकी जॉब उतना नहीं केपेबल है इतने टाइम में. दूसरा एक चीज और, एक सबसे खतरनाक चीज, थोड़े दिन पहले मैं जी बिजनेस देख रहा था, तो उसपे एक वहां का एंकर है, न्यूज रिपोर्टर एंकर, जो कि इकोनॉमिक्स वगैरह पे बात करते हैं, शेयर मार्केट और इस तरह की बातें करते हैं, अनिल सिंघवी जी. ठीक है, मे बी एनी ऑफ योर पेरेंट्स, सम ऑफ योर पेरेंट्स नो. ठीक है, क्योंकि मे बी इफ दे आर इनटू ऑल दिस बिजनेस मेकिंग और शेयर मार्केटिंग. तो सर क्या नाम है? अनिल सिंघवी. ही सेड वन वेरी गुड लाइन. ही सेड, डू नॉट गो इन दिस लोन टेकिंग सेगमेंट, डू नॉट टेक डेट, बिकॉज डेट इज डेथ. राइट, मींस इफ यू सम हाउ गेट ट्रैप्ड इन दिस डेट ट्रैप, इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ इट. हेल एंड हार्टी फर्स्ट ऑफ ऑल. मतलब कि अगर आप गलती से कोई कर्ज लेते हैं, तो एक तरीके से यू आर साइनिंग इन टू डेथ वारंट्स ऑफ यू. आई एम नॉट मेकिंग यू अफ्रेड ऑफ लोन और एवरीथिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू अवेयर ऑल कि भैया ये जो लोन है, ये जो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं कि आपको EMI पे मोबाइल मिल जाएगा, EMI पे गाड़ी मिल जाएगी, EMI पे घर मिल जाएगा, दिस लुक्स प्रिटी, बट वंस द मेकअप वॉशेस, इट इज रियली हॉरिबल. ये बहुत खतरनाक है. ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक यू ऑल अवेयर अबाउट दिस इकोनॉमिक थिंग एज वेल, क्योंकि हम लोग सभी लोग जितने भी टीचर्स हैं, वो सब बच्चों को, या पेरेंट्स हैं, वो सब बच्चों को साइंस की नॉलेज देते हैं, इंग्लिश की, मैथ्स की, सोशल स्टडीज की भी नॉलेज देते हैं. दे वॉन्ट देम टू बिकम यू नो गुड अर्निंग, बट दे डोंट टीच देम टू लर्न हाउ टू एक्चुअली सेव द मनी और एक्चुअली यूज द मनी टू फॉर यू. तो बेसिकली आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल, whensoever you start earning or something, do not I repeat, get into this debt trap, be it how low it is. अगर मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए सैलरी आती है और आपने 20,000 का भी लोन ले रखा है, don't do it, मत करो. ठीक है, don't do it, I'm telling you. ठीक है, क्योंकि debt trap बहुत खतरनाक होता है, देखने में बड़ा आकर्षक होता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाय कितना रुपए देना पड़ेगा, महीने का 2,000 तो देना पड़ेगा, जाने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देख लेंगे. बट दीज लास्ट 2 ईयर्स दैट हैज गॉन बाय, लोगों को ये जीना उन्होंने बताया कि एक्चुअल में लोन पे जीना बहुत खतरनाक है. सर स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा रहता है उनके. 2 सालों में जब से कोरोना आया है, लोगों की जॉब्स गई हैं, सैलरीज जो वो डेली उठा रहे थे मंथली, वो बिल्कुल जीरो हो गई, या 50% तक कम हो गई, या 70% तक कम हो गई, या इनफैक्ट किसी किसी की तो नौकरी ही चली गई. राइट, तो
उनको वो 2,000 रुपये जो पे वो कर रहे थे आराम से, अब वो पे करना बहुत दिक्कत कर रहा है, यस, राइट? क्योंकि इनकम तो ही एंड बहुत कम हो गया। यू नो नथिंग अबाउट द फ्यूचर, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फ्यूचर कि भविष्य में क्या छुपा है। सो आई जस्ट वॉर्न यू, अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, यू सेव मनी फॉर दिस एंड देन यू बाय थिंग्स, राइट? ये एक यस सर, इंजीनियरिंग टिप है जो आप सब बच्चों को मैं आपको बता रहा था, ठीक है? यस सर, बैंक्स डोंट प्रोवाइड क्रेडिट्स टू द पुअर पीपल एज दे डोंट हैव एनी अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अब बैंक्स अगर इतने ही अच्छे होते ईएमआई दिलाने के लिए, लोन देने के लिए, तो वो सबको देते ना, पर वो सिर्फ उन्हीं को देते हैं कि जिनको उनको लगता है कि ये पैसे वापस कर देंगे हमारे। क्रेडिट स्कोर होता है ना शायद, हाँ सिबिल स्कोर बोलते हैं उसको, ठीक है? तो वो सिबिल स्कोर जो है या क्रेडिट स्कोर जो है वो काफी हाई होना चाहिए, मोर देन 700-750 आउट ऑफ 900, तब आपको कोई लोन मिलता है, ठीक है? यस सर, तो ये मेरा एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे को आपको दे रही थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है बच्चों? यस सर, ओके, नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और कौन पढ़ना चाहता है? सर एक डाउट है सर, sure, अगर है? हाँ, बेटा सर मनी की बहुत ज्यादा नीड है सर, वो क्या करे उस टाइम पे? मानस योर वॉइस इज ब्रेकिंग बेटा। यस सर, सर मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर किसी को सर मनी की बहुत ज्यादा नीड है सर, तो सर क्या करें सर मानस योर इससे? वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके सर, आई विल राइट इन चैट। अभी आ रही है बेटा, अभी आ रही है, बोलो। यस सर, सर मैं पूछ रहा हूँ सर, अगर किसी को मनी की बहुत ज्यादा जरूरत है सर, कोई कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो सर उस टाइम पे क्या किया जाए? नहीं ऑब्वियसली देखो, अगर कोई अनअवॉर्डेबल सिचुएशन है, राइट, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्स पर्सन हैज सम मेडिकल इमरजेंसी, राइट, तो यस सर, मजबूरी में उसे लेना पड़ेगा, राइट, तब तो उसको वो लेकर के पे करना है। सी दीज आर अनअवॉर्डेबल रीजंस, पर अगर आप अपनी लग्जरी के लिए, सिर्फ मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है इसके लिए मैं लोन ले रहा हूं, तो बेटर यह है कि आप उसके लिए 6 महीने साल भर सेविंग करें, जितना रुपए यस आप सर, आपको लगता है आपको ईएमआई देना है उतने सर उतने रुपए आप सेव करें, और 1-2 साल में आप अच्छा खासा अमाउंट ले लेंगे जो कि आप उसको पे करके सीधे गाड़ी आप फ्रंटली उठा सकते हैं, यस सर, राइट? यस सर, इट रियली एक्चुअली एक्चुअली इट स्लोज द प्रोसेस, वो आपका प्रोसेस थोड़ा स्लो कर देगा, लेकिन इट विल नॉट लेट यू गेट ट्रैप्ड इनटू एनी सॉर्ट ऑफ ट्रैप्स, और वहां पे अगर बाद वो में आपको मेंटल पीस मिलेगी ना, उससे आप बहुत सारी चीज अच्छी कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अनअवॉइडेबल रीजंस के लिए तो मजबूरी है हमारी, लेकिन उसके लिए भी हमको प्लान करके चलना चाहिए। वी शुड टेक मेडिकल दीज फंड्स एंड एवरीथिंग, एलआईसी, सेविंग और वो लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस एंड ऑल दीज थिंग्स, यू शुड प्लान फॉर देम, राइट? यस सर, यस सर, दिस इज आई एम टीचिंग यू फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। आप आने वाले समय पर आप लोग भी जॉब्स में जाओगे, आप लोग भी पैसा कमाओगे, आप लोग भी चीजें सभी लोग अच्छी करना चाहोगे अपने लाइफ में, राइट? तो आई एम गिविंग यू दिस लिटिल टिप जो कि यूजुअली हम टीचर्स हों या पेरेंट्स हों अपने बच्चों को नहीं बता पाते हैं, और इसी वजह से ज्यादातर लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं, राइट? पर चूंकि yes, हमको ये पढ़ना ही है, और तो इसलिए मैं आपको उसको ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर, चलिए नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ऋषभ शायद पढ़ने की बोल रहा था, सर क्या ना है सर, am I audible? यस यू आर ऑडिबल बेटा, सर पढ़ू? गो अहेड। यस सर, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वैरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोअर। कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, एंड यूजेज दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। इफ द बोरोअर फेल्स टू रिपे द लोन, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। ओके, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस आई बिलीव सर, उसका भी इज नॉट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यस यू। सर, यस सर,
सर बोलते नहीं है ना सर, इस वजह से। ओके लेट्स लेट्स जस्ट फिगर दिस आउट कि ये पैराग्राफ क्या कह रहा है। ठीक है, नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ पेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मतलब कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी क्रेडिट किन टर्म्स पर आपको क्रेडिट मिलेगा, किन टर्म्स आपको लोन भी मिल सकता है। यहाँ पर क्रेडिट वर्ड जो है वो लोन के लिए भी यूज हुआ है। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, आप क्या चीज कोलेट्रल रख रहे हैं। कोलेट्रल मतलब आप, एक हिंदी में वर्ड है काफी आप लोगों में से किसी ने अगर सुना हो तो, गिरवी रख रहे हैं। यस सर, सुना है? यस सर, सुना है आप में से किसी ने बच्चों? यस यस सर, सर। ये सब पैसे के बदले गिरवी रखते हैं किसी भी हाँ, चीज मॉर्गेज अगर आप को। कोशिश कर रहे हैं अपनी कि भैया ठीक है मेरे को अभी 1 लाख रुपए की जरूरत है और ये चीज जो है वो 1.5 लाख रुपए की, आप एक काम करो इसको रख लो ठीक है और मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। अगर मैं आपको लोन नहीं पे कर पाया तो आप उसको बेच देना और अपना जो भी पैसा बचता है वो आप निकाल लेना। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? यस सर, यस सर। कोलेटरल हो गया, ये समझ में आ गया। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड रख करते हो, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गए, राइट। आप इसी से पता चल सकता है ना कि आप कितना पैसा आप यूजुअली कमा रहे हैं। यस सर, यस सर। जो भी हमारे पास मतलब सर, हमारे पर्सनल आपके बैंक इन्फॉर्मेशन डिटेल्स होता हो गए, है। जो भी प्रोफेशनल डिटेल्स है वो सारी चीज, आपके जो भी जहां भी आप जॉब करते हैं, कंपनी को सैलरी स्लिप एंड ऑल दीज थिंग। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स है। एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, आप कैसे रीपे करोगे। मोड ऑफ रीपेमेंट का मतलब ये नहीं कि आप ऑनलाइन पैसे करोगे, गूगल पे करोगे या फिर चेक से करोगे, ये नहीं। मतलब कि आप कैसे करोगे, कहाँ से लाओगे वो पैसा पे करने का, राइट। यस सर, ठीक है बच्चों, यस सर। ओके। नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोअर। अब ये जो टर्म्स हैं ये अलग अलग हो सकती हैं, डिपेंड करता है ये कैसे नेचर है बोरोअर की और लेंडर की। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है, उसने कहा उसके पास पैसे हैं, उसने कहा चल कोई बात नहीं आराम से दे दीजिए, पूरा मन करे दे दीजिए, बात खत्म। एक कोई सर, बैंक है, उसने कहा यस सर। नहीं नहीं सर आपको तो अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह देना पड़ेगा तब, और आपको हर महीने इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, एक ब्याज वाला आ गया आदमी, सूद को जो अपने ब्याज से पैसा देते हैं लोग इंटरेस्ट पे, उसने कहा ठीक है भैया एडवांस तो ठीक है पैसा आप ले जाओ मेरे से, लेकिन एक तो कोई चीज देनी पड़ेगी मेरे को गिरवी रखने के लिए, साथ के साथ हर महीने इतना ब्याज लूंगा, अगर आपने नहीं दिया ब्याज तो मैं तीसरे तीसरे महीने भेज दूंगा। 1 महीने आपने ब्याज नहीं दिया और मेरा मतलब ईएमआई नहीं पे किया, मैं इसको बेच के अपना पैसा ले लूंगा। तो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग टर्म्स हो सकती हैं अलग अलग लोगों के साथ। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं कि उनका कैसा रिलेशन है, कैसा उनका बिहेवियर है। ठीक है, नाउ यस सर, व्हाट इज कोलैटरल। कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओज सच एज लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। ये जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई चीज गिरवी रखी जाती है कि भाई ठीक है आप इसको रख लो, अगर मैं दे नहीं पाया तो ये गारंटी ये है कि आप इसको बेच देना, अगर मैंने ये दे दिया आपका लोन तो ये मेरे को वापस कर देना। ठीक है, यस सर। इफ द बोरोअर फेल्स टू रीपे द लोन द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट एंड कोलेटरल और कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने डिसएडवांटेज में पढ़ा था, एसेट बेच सकता है अगर लोन नहीं पे कर पाता। बिल्कुल ठीक है बच्चों, यस सर, इसको स्क्रॉल कर दे बेटा। ओके सर। ना फॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट इन इंडिया, अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में ऊपर थोड़ा आइडिया बता चुका हूँ। ठीक है, याद है सबको अभी? ठीक यस सर, याद है। है, ना यस सर, फॉर्मल सेक्टर्स, बैंक्स आर सोर्सेज ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउसहोल्ड इन इंडिया इन 2010।
अब बेसिकली फॉर्मल की अगर हम बात करते हैं तो जो जो बैंक्स हैं ठीक है वो बेसिकली फॉर्मल सेक्टर को बिलोंग करते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस सबको सुपरविजन कर, सारे बैंक चाहे वो कोई भी बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे कैनरा बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे सिंडिकेट बैंक हो, यानी जितने पीएसयू बैंक है और साथ के साथ जितने प्राइवेट बैंक है, जैसे कि चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे आपका कोटक महिंद्रा बैंक हो, आईसीआईसीआई हो, चाहे यस बैंक हो, मतलब जिस भी जितने भी चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है, वो सबको कौन सुपरवाइज करता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है बच्चों? यस सर, यस सर। अब 2010 में अगर आप देखें तो जो घर वाले घरेलू लोग होते थे तो वो किस तरह का पैसा वो लोग उधार लेते थे, ठीक है? रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, इसको थोड़ा अगर जूम करके देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर क्लियर पिक्चर आएगी यहाँ पर, ठीक है? सर बड़ा करके नहीं नहीं बस ठीक है। कोऑपरेटिव्स एंड कमर्शियल बैंक्स करके हम देखें, ठीक है, या गवर्नमेंट और एंड अदर फॉर्मल सोर्सेस की देखें, या प्रोफेशनल एग्रीकल्चर लेंडर्स की देखें, ट्रेडर्स की देखें, लैंडलॉर्ड्स की देखें, रिलेटिव से लोग जो पैसे लेते थे उनकी देखें, अदर सोर्सेस अगर कोई है, या फिर कोई सोर्सेस नॉट स्पेसिफाइड है, यानी जिन्होंने नहीं बताया उनके लगभग 2% है, अदर सोर्सेस में लगभग 5% है, रिलेटिव से लोग 4% तक लेते हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड से आप 6% तक, ट्रेडर से 5% तक, प्रोफेशनल एग्रीकल्चर जो मनी लेंडर्स है उनसे 18% तक, गवर्नमेंट और अदर फॉर्मल सोर्सेज जो भी हैं जैसे कि आपका कोऑपरेटिव्स हो गए या पोस्ट ऑफिस हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपके ऑफिस जो गवर्नमेंट जगह आप जॉब करते तो वहां से हो गया, तो ये यहाँ से अगर लेते तो वो हो गया आपके 8%, और सबसे ज्यादा जो कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं 52% के आसपास, ठीक है बच्चों? यस सर। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट व्हिच इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। और बैंक्स को बेसिकली कम इंटरेस्ट रेट वाला और एक थोड़ा सस्ता सॉर्ट ऑफ क्रेडिट जो है वो देना चाहिए लोगों को, जिससे कि लोगों का डेवलपमेंट हो, देश का डेवलपमेंट हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल जो लोग घर बना रहे हैं उनको थोड़ा कम इंटरेस्ट पे मिलना चाहिए लोन, जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं उनको थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए क्योंकि वो डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? नाउ इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ इंडिया, इसको बेटा एक्सप्लोर करते हैं। एनीबडी वॉन्ट्स टू रीड दिस? ज्योत्सना, अनम, दीक्षा, सर, सर, ठीक है दीक्षा पढ़ो बेटा। इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। द इनफॉर्मल लीडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स, एम्प्लॉयज, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट, देयर इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। दे कैन लेंड अ वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज, थस द कॉस्ट ऑफ द वॉरियन इन इनफॉर्मल लोन इज मच हायर, एंड दिस इज कुड लीड द इंक्रीजिंग डेबिट एंड डेबिट ट्रैप। थर्ड पॉइंट, 85% ऑफ द लोन्स टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरियाज आर इनफॉर्मल सोर्सेज। Then the rich households are availing cheap credit from the formal leaders, whereas the poor households have to pay in a large amount of borrowing, while formal sector loans need to expand, and it is also necessary that everyone receive these loans. चलो तो कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? हाँ अब है
नारायण नारायण गुप्ता बेटा, मानवी। हाँ चलो पहले मानवी से पूछते हैं फिर देखते हैं। मानवी बताओ। पहले मानवी फिर नारायण फिर मनोज, ऐसे बताएंगे। चलो मानवी बताओ। मानवी लेफ्ट। सब एनीवेज नारायण से, नारायण तुम बताओ फिर। सब मेरे डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा वापस से डिस्कनेक्ट हो गया, बंद कर लिया। ठीक है मानवी बताओ। यस सर। फर्स्ट पॉइंट, इनफॉर्मल लीडर्स में हमारे जो एम्प्लॉयज हो जाते हैं, रिलेटिव्स हो जाते हैं और फ्रेंड्स हो जाते हैं। और सेकंड पॉइंट है जिसमें और इसमें जैसे फॉर्मल में हमारा सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई होती थी, जबकि इनफॉर्मल में सुपरवाइज करने के लिए कोई भी नहीं होता। ये जितना चाहे उतना इंटरेस्ट रख सकते हैं। और इसमें जो और जो इसका बोरोवर की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जिससे कि वो ज़्यादा जल्दी डेप्ट में जाता है। और 85% जो लोन है वो पुअर हाउस होल्ड जो होते हैं, मतलब जो पुअर लोग होते हैं वो लेते हैं, जबकि जो अर्बन एरिया में और जो ये ज़्यादातर अर्बन एरिया में होता है, जबकि इसे पुअर लोग लेते हैं 85%। और जो रिच हाउस होल्ड होते हैं वो चीप क्रेडिट यूज़ करते हैं फॉर्मल लीडर्स से, जबकि जो पुअर होते हैं उनको लार्ज अमाउंट में बोरोइंग को पे करना पड़ता है। जबकि हमें इक्वल रखना चाहिए पुअरों को भी, पुअर्स को भी फॉर्मल जो है फॉर्मल क्रेडिट का यूज़ करना चाहिए। और इसको फॉर्मल सेक्टर को हमें एक्सपेंड करने की अभी भी ज़रूरत है, और जिससे कि ये सबके पास पहुँच सके। नारायण यस सर। सर जैसे नाम से ही पता चल रहा है इनफॉर्मल सेक्टर। सर इनफॉर्मल का मतलब हो गया कोई अनऑफिशियल चीज जिसको कोई एक तरह से ऑफिशियल ना हो, वो अलग से किया गया। अब इसमें जो मतलब हमें मनी जो मिल जहाँ से मिलता है, जैसे फॉर्मल में बैंक से मिलता था, और सही इनफॉर्मल में जिस किसी के पास भी पैसा है और जो उसको लेंड करने का मतलब चाहता है कि हाँ वो पैसा दे सकता है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में आ सकता है। जैसे मनी लेंडर्स हो गए, एम्प्लॉयज और रिलेटिव फ्रेंड्स, ज़्यादातर रिलेटिव फ्रेंड्स भी हमें दे देते हैं। और फिर इसमें एक और मतलब इस फायदा एक तरह से ये होता है कि ये उतना कोलेट्रॉल, जैसे बैंक में जाएंगे तो बैंक सब किसी को लोन नहीं देता है, ऊपर से उसमें कोलेट्रॉल भी चाहिए होता है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर में पहली बात तो क्रेडिट, जो भी हमें लेंड पैसा लेंड कर रहा है उस पर कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। उसको जैसा मन करेगा वो उसे पैसा देगा, जितना पैसा देना है जब उसे चाहिए होगा तब लेगा, ऐसे होता है। और इसमें वो उनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। जैसे अगर हम किसी मनी लेंडर से पैसा लेंगे तो वो हाई इंटरेस्ट पे, जनरली हाई इंटरेस्ट पे पैसा देता है। लेकिन अगर वहीं हम फ्रेंड्स या रिलेटिव से देंगे तो वो उस केस में बहुत कम ही ऐसे केस होंगे जिसमें वो इंटरेस्ट लेते होंगे, वरना ज़्यादातर तो फ्री ऑफ इंटरेस्ट का हमें पैसा मिलता है उस फ्रेंड्स और रिलेटिव से। अब इसमें इसलिए इसी कारण से क्योंकि इसमें इतना हमें ताम झाम नहीं करना पड़ता है, कहीं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए कहीं वो नहीं चाहिए, इसलिए इसके जो बोरोअर्स हैं, नंबर ऑफ बोरोअर्स वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब लोग को लगता है ये बहुत आसान चीज़ है। और इसी मतलब ये जो लोन अगर हम मनी लेंड फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अगर हटा दें, मनी लेंडर्स से लेते हैं पैसा, तो यही जैसे सर डेब्ट ट्रैप में हमें पहुँचा सकता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो मतलब हम अगर उनसे पैसा ले लेते हैं तो वो एक महीने में मतलब एक साल में दुगना हो जाता है। और फिर अगर हमें एग्रीकल्चर में अगर देखें तो अगर हम वो पैसा नहीं दे पाते हैं फिर लैंड देना पड़ता है, और ऐसे फिर वो डेब्ट ट्रैप चलता चला जाता है, हम फंसते रहते हैं उसमें। अब इसी में पुअर हाउस होल्ड जो होते हैं जिनको बैंक में बहुत तकलीफें होती हैं लोन लेने में, और कईयों को तो नहीं भी मिलता है, उसमें ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सोर्स से ही अपना लोन लेते हैं। और इसका एक डाटा दिया हुआ है कि 85% पुअर हाउस होल्ड लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही अपना पैसा लेते हैं। अब जो रिच हाउस होल्ड हैं और मतलब जो अमीर लोग हैं उन्हें तो बैंक के बारे में पता है, उन्हें ये भी पता है कि उन्हें तो आसानी से मतलब मिल जाता है, उन्हें उतना कोई दिक्कत नहीं है, तो कम क्रेडिट पे भी पैसा ले लेते हैं बैंक से। लेकिन अगर वहीं हम मतलब छोटे पुअर हाउस होल्ड की बात करें तो वो इनफॉर्मल सेक्टर से पैसा लेके फंस जाते हैं, और फिर उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देना पड़ता है वापस। तो इसी में फॉर्मल सेक्टर्स का जो लोन है उसको बढ़ाना चाहिए, और इसको बढ़ाने के काफ़ी तरीके अलग अलग हैं, वो हम बाद में आगे पढ़ेंगे। तो
ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि काफी लोग जैसे ज्यादातर तो एग्रीकल्चर में हम देखते हैं या फिर जो छोटे डेली वेजेस वर्कर होते हैं उनके केसेस में कि वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और इससे मतलब जो भी कंट्री है उसकी इकोनॉमी को भी बहुत लॉस हो जाएगा। इसलिए एक तरह से फॉर्मल सेक्टर जो है उसको ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए। सर हो गया। एक चीज और बेटा थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा कि जो हम बैंक से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, बैंक भले ही हमको पैसे तभी देता है जब हमारे पास कोई अच्छी सिक्योरिटी हो, या फिर साथ में अगर हमारा कोलेटरल के साथ साथ हमारा कोई प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस जो बेस्ट बैंक के साथ रहा, यानी जो हमारा सिविल स्कोर है, हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा है, राइट, हम अपने लोन अगर लिया है और वो पैसा हमने टाइम पे भरा है, तो बैंक विल अंडरस्टैंड कि नहीं ये लोग ठीक है, इन्होंने पैसा मांगा था, दे दिया, वापस हमें दे दिया। लेकिन उसके लिए बैंक को क्या करना और होगा, भी होता है। हाँ, लेकिन उसके लिए बैंक को क्या करना होगा, अपने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा कम करना होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार है, आपने उससे लोन ले लिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो रिश्तेदारी या फैमिली टर्म्स में तो लोन पे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो साहूकार लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको पैसे देते हैं और उस पर ब्याज लगाते हैं अच्छा खासा, तो उसको हमको थोड़ा सा उससे बच के रहना है, ठीक है। लाइक अगर 2% पर मंथ का भी उन्होंने ब्याज लगाया तो इट बिकम्स 24% अन ईयर, और अगर साल में आप 25% तक अपना अगर ब्याज दे रहे हैं, यानी आपने 1 करोड़ रुपया उठाया तो 25 लाख रुपया हर साल इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा होता है। अगर आप 2% देखते हैं 1 करोड़ रुपए का, तो इट इज 2 लाख रुपीज विच यू आर पेइंग एज एन इंटरेस्ट ओनली, ठीक है। तो बहुत खतरनाक रह सकता है ये लोन्स, इनफॉर्मल लोन्स को हमको अवॉइड करना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि लोन्स को ही अवॉइड करना चाहिए, बट इन केस इफ वन हैज टू टेक लोन्स, देर इज नो पॉसिबल ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन चॉइस, तो वो उसको फॉर्मल सेक्टर सेक्टर से बैंक्स के थ्रू या कोऑपरेटिव्स के थ्रू लोन लेना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, लेकिन थोड़े समय के लिए, क्योंकि तो वो वाला ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कोई कोलेटरल दे रखा है तो उसको बेच ही लेगा, राइट, थोड़ा सा क्योंकि ही है। फॉर्मल में वो स्टेबल भी रहते हैं, इनफॉर्मल में अगर उन्हें जरूरत पड़ गई तो सर वो मांग भी सकते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है क्या, मनोज यस सर, तुम्हारा क्या पॉइंट है उसके क्लियर ऊपर बताओ। सर, बताई दी सारी चीज, रिपीट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पूछो। सर एक डाउट था सर, होम लोन तो बुरा नहीं है ना? इसके दो दो तरीके हैं समझने के। यस सर। एक बुक है, ठीक है, आई बिलीव वन एंड एवरी वन ऑफ यू, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड मस्ट दीज बुक्स, दीज फाइनेंशियल एडुकेटिव बुक, मे बी एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स मस्ट हैव रीड इट। बुक आर, वन इज द थिंक एंड ग्रो रिच, एंड अदर इज रिच डैड एंड पुअर डैड, मे बी मस्ट ऑफ एनी ऑफ यू मस्ट यस हैव सर, हर्ड यस सर, यस सर। इट। एक राइटर थे, एक इंटरव्यू, एक जर्नलिस्ट थे, उनका नाम था नेपोलियन हिल। उनसे उन्होंने काफी साल पहले, लगभग 50-60 साल पहले, 100 साल पहले एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। अब बेसिकली उस बुक में क्या है, वो उनको एक बड़े आदमी ने, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप अमीर कैसे बने, तो उन्होंने कहा ठीक है, आई गिव यू अ जॉब, आई नॉट गिव यू सैलरी ऑन दिस, बट आई गिव यू बेसिक खर्चा, जो भी आपका खर्चा होगा उसमें आई पे दैट, एंड आई वॉन्ट यू टू टेक इंटरव्यूज ऑफ द मोस्ट रिच पीपल इन द वर्ल्ड। सो ही केप्ट टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ दोज पीपल
around 25 years. And then he wrote this book. And the book's name is Think and Grow Rich. Everybody should read it. And the second book is Rich Dad and Poor Dad. This book is written by Robert Kiyosaki. He in this book, he has two dads, not like particular two dads. Dads means one his own dad, his biological dad, and one he considers him as his rich dad. He is the dad of his friend. यानी वो उनके उसका जो मित्र है उसका फादर है सर आई तो वो उनका माइंडसेट डिफरेंट है एक तो अपने पिता को वो कहता है वो कहता है मेरे पिता जो है वो पुअर डैड है और जो मेरा फ्रेंड है उसके पिता रिच डैड है वो कैसे ऐसा नहीं कि वो अमीर है और हम गरीब है ऐसा नहीं है हमारे फादर की भी अच्छी खासी जॉब है उनका अच्छा खासा सैलरी आता है सब कुछ एवरीथिंग इज सेटल्ड लेकिन हमारे फादर को वो अपने अपने फादर को वो मानता है पुअर डैड और अपने फ्रेंड को मानता है फ्रेंड के फादर को मानता है रिच डैड ठीक है तो बेसिकली ये दो बुक मैंने आपको इसलिए सजेस्ट की है क्योंकि ये बुक्स जो है अभी नहीं अभी मैं पढ़ने की नहीं कह रहा एग्जाम एग्जाम दे लो जब आपके समर वेकेशन आए या कुछ आए तब आप पढ़ सकते हैं दीज आर वेरी वेरी गुड बुक्स एवरीबडी शुड रीड इट एंड नॉट ओनली रीड इट जस्ट यू नो रीमेमोराइज देम मेमोराइज कीप मेमोराइजिंग देम एंड रिपीटिंग देम क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति ये सब को पढ़ करके उसको प्रैक्टिस करे चीजों को तो लाइफ में बहुत आगे जा सकता है ठीक है यस सर उसमें पहली वाली बुक का नाम क्या था पर थिंक एंड ग्रो रिच ओके सर इसमें ना इन इन बुक्स में आपको जो मनी है और जो आपका अकाउंट है जो आपका क्रेडिट अकाउंट है जो आपका लोन इंटरेस्ट है इन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा विद अ वेरी यू नो इंटरेस्टिंग नोट ठीक है काफी अच्छी स्टोरी इसके बेसिस में आपको सीखने को मिलता है एंड आई पर्सनली सजेस्ट यू ऑल दिस भैया आप लोग भी सब लोग इकोनॉमिकली इकोनॉमिक वाइज आप लोग आपकी सोच जो है वो ब्रॉड रखें ठीक है ना फॉर्मल इनफॉर्मल डेट में वो यही बात समझाते भी है कि आपको किस तरह का डेट रखना चाहिए अच्छा एक बात और बच्चों ये डेब्ट नहीं है DEBT डेब्ट नहीं है ना ही डैब है ना ही डेब्ट है इट इज डेट DET डेट हालांकि बी आता है इसमें पर बी साइलेंट है याद रखेंगे ठीक है डेट क्या ये डेट ठीक है डेट माने कर्ज ठीक है लोन ठीक है DEBT इसको हम अक्सर डेब्ट पढ़ते हैं ये डेब्ट नहीं है इट इज डेट DET डेट भले इसमें बी है लेकिन वो बी जो है वो साइलेंट रहेगा ठीक है बच्चों यहां तक क्लियर है क्या यस सर ओके नॉट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एक बार इसको फटाफट से पढ़ लेंगे कौन पढ़ेगा यशवी प्रथम निधि यस सर प्रथम यस सर बता पढ़ो सर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट सर यस बेटा फॉर्मल दिस सोर्स वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द RBI informal they do not work under the government organization formal the rate of interest is very low informal the rate of interest is very high formal commercial banks cooperative banks societies are the main source of formal credit informal relatives money lender and landlords are the main source of informal credit सर आगे भी पढ़ना है अच्छा ये तो अभी सबको मैं समझा चुका हूँ ठीक है यस सर या दोबारा इसको रिपीट करना है नो सर एक काम करो रुको किसी बच्चे से पूछते हैं वो बताएगा अनम ज्योत्सना
लव्य। यस सर, लव्य यस सर, मैं मैं समझाऊं सर, बताओ रुको, क्या होते हैं फॉर्मल। हाँ बेटा क्या होते हैं सर वो, मैं समझाता हूँ सर। फॉर्मल फॉर्मल जो होते हैं वो सुपरविजन, जो रिसोर्सेज होते हैं वो सुपरविजन, आरबीआई के सुपरविजन में काम करते हैं, और जो इनफॉर्मल होते हैं वो किसी के गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करते। फॉर्मल जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो वेरी लो होता है, बहुत ही कम होता है, और जो इनफॉर्मल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। फॉर्मल जो कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सोसाइटीज होती हैं वो मेन सोर्स होती है, मतलब फॉर्मल क्रेडिट्स के। और जो इनफॉर्मल होते हैं वो मतलब रिलेटिव्स जैसे रिश्तेदार, मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड होते हैं, वो मेन सोर्स होते हैं इनफॉर्मल क्रेडिट के। ओके तो ये अभी सब बच्चों क्लियर है, ये एक बार और बताओ। सर क्लियर है, क्लियर वेरी गुड वेरी गुड। नाउ व्हाट इज दिस आरबीआई, ये आरबीआई क्या है? ठीक है इसको हम एक बार पढ़ते हैं। ठीक है कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं। रुक जा बाबू। देवांश, शिवांश, समीर। शिवांश ठीक है, शिवांश पढ़ो। आरबीआई लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग शिवांश पढ़ो कंपनी बेटा। ऑफ। यस सर, सर पढ़ रहा हूँ सर, मेरी आवाज आ रही है? काफी लो है बेटा एक तो लो आ रही है और थोड़ी कट के आ रही है मेरे को। हेलो सर, अब क्लियर है? हाँ पहले से बेटर है, बताओ पढ़ो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल रिसोर्सेज ऑफ लोन। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। रिजर्व द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस। सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट The bank gives loan not just to profit making, profit making business and traders, but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers, etc. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending, to whom, and what and at what interest rate. पढ़ दिया सर। Anybody wants to explain? समय है कृष्णा। ठीक है कृष्णा बताओ एक बार। यस सर, सर हमें आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स सर, जो हमने पहले ऊपर पढ़ा है सर, आरबीआई जो है वो सर मेन मेन सोर्स ऑफ फॉर्मर क्रेडिट है, यानी सर सुपरवाइज करता है फॉर्मर सोर्स ऑफ लोन्स को, यानी सर एक तरह से बैंक का बैंक कह सकते हैं हम इसे सर। हमने देखा है ये मेंटेन करता है मिनिमम कैश बैलेंस जो इस पे डिपॉजिट होता है सर। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, आपने बताया था कि लोन नहीं लेना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि लोन एक तरह से ट्रैप की तरह भी काम करता है, क्योंकि जो लोन देते हैं प्रॉफिट मेकिंग, सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए तो लेते ही हैं, लेते हैं जैसे आपने बताया था, लोन ज्यादा लेते हैं और क्रेडिट स्कोर और बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। और सर ये देते किस किस को है? बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और स्मॉल सिटीजन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल बोरोवर्स, यानी जो एक तरह से एग्रीकल्चर जिनका छोटा है पर वो दे सकते हैं।
क्रेडिट मतलब लोन पे कर सकते हैं सर, उन्हें देते हैं, और जो पे कर सक बोरोवर स्मॉल बोरोवर सर जिन्हें चाहिए होता है थोड़ा सा लोन, और उस हिसाब से वो कम भी कर लेते हैं इंटरेस्ट। सर आपने बताया कि फॉर्मर अगर इमरजेंसी में यूज करना हो लोन, तो आप ज्यादातर फॉर्मर यूज करो एज कम्पेयर टू इनफॉर्मर, बिकॉज दे कैन लोअर देयर इंटरेस्ट, लोअर देयर इंटरेस्ट एज कम्पेयर। फॉर्मर नहीं, फॉर्मल। सर सॉरी, फॉर्मल। सर फिर पीरियोडिक हैंग्स हैव सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई। सर ये लास्ट लाइन सर समझ नहीं आई, बाकी सब समझ आ गया। मनोज ओके, यस सर। एक बार ट्राई करेगा? सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। ये ट्राई करना एक बार, एक्सप्लेनिंग आरबीआई। सर मेरे साइड बहुत ज्यादा आवाज कट रही थी, मैं रीड कर रहा था एक बार। ओके डू वन थिंग, मानस एंड नारायण, एनी वन ऑफ यस यू सर। सर मैं आई नारायण। सर मैं आई फर्स्ट, लेट्स लेट्स गिव दिस चांस टू नारायण, देन वी विल गो फॉर ओके सर। मानस। ठीक है एंड गो इट। सर कौन सा पैराग्राफ एक्सप्लेन करना है सर, एक बार बता दीजिए। आरबीआई, आरबीआई लेंडर ऑफ क्लासेस। यस सर। सर जब हमने पढ़ा कि मतलब एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, तो सर अब फॉर्मल सेक्टर का जो है उसमें सर एक हेड हेड की तरह एक मतलब बैंक काम करता है, फॉर्मल में भी मतलब सिर्फ बैंक की तरफ से, तो वही हमारा एक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जितने भी हमारे फॉर्मल बैंक्स हैं, जो भी बैंक्स आते हैं, अगर एग्जांपल के लिए हम कहें सिंडिकेट बैंक या फिर मतलब कोई भी बैंक कहीं पे भी हमें जो दिखता है, उन सबको एक तरह से सुपरवाइज करता है आरबीआई। अब सुपरवाइज किस तरह से करता है सुपरवाइज, ये मतलब एक तरह से ये क्या आरबीआई जो है बैंकों को कहता है कि अपने पास एक मिनिमम कैसा बचा के रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास बोरोवर आ जाता है या जिसने डिपॉजिट किया है वही आपसे पैसा लेने आता है, तो आप फिर उसको ताकि आप पैसा दे सकें इसलिए आप अपने पास एक मिनिमम कैश बैलेंस बना के रखें। आरबीआई फिर इन सब जो भी बैंक है मतलब जितने भी बैंक होते हैं वो उन सब, सर एक चीज पूछना है इसी में सर पूछना है, सर जो प्राइवेट बैंक है वो भी मतलब इस बैंक में आएगा मतलब आरबीआई के अंडर? सर सर बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। सर वो पूछना था सर जो प्राइवेट बैंक है वो भी इसके अंडर आएगा मतलब आरबीआई? हाँ बेटा, मैंने ऑलरेडी ये बताया था, एवरी सिंगल बैंक, बी इट कोऑपरेटिव, सारे बी बैंक स्मॉल बैंक, हाँ चाहे कोई कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑपरेटिव बैंक हो, चाहे आप कोई वो कोई प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, किसी भी तरह का बैंक आरबीआई की परमिशंस के थ्रू, आरबीआई की गाइडलाइन के थ्रू ही काम करेगा, किसी भी तरह का कोई भी बैंक हो। ठीक है ओके सर। सर मैं कंटिन्यू ठीक है। करता हूँ। क्यों क्यों, हाँ क्यों क्यों ऐसा करना है? क्योंकि हर एक व्यक्ति की चीज, किसी ना हर एक उसके ऊपर ना एक वॉच की जरूरत होती है हर एक चीज की, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर यस सर, कोई भी खुद आप ही बैंक खोल के बैठ जाएगा फिर तो सर वो ही गया। देख लो, और उसके बाद फिर वो उसमें फॉर्मल सेक्टर में है कि वो फॉर्मली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कोई वॉच तो जरूरत होनी चाहिए ना किसी चीज की, कि कोई कोई यस उनको सर। यस चेक सर। करता रहे बीच बीच में, राइट? ओके सर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके आरबीआई बैंक जो है ये एक तरह से इसका मेन कह सकते हैं कि ये जैसे हमने हेड कहा है इसको, तो ये भी देखता है कि जो बैंक है मतलब अगर गलत कि मतलब जो बैंक है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसा लोन तो नहीं दे रहा है जो एक तरह से जिनसे बैंक को बहुत प्रॉफिट हो या फिर जिससे बैंक को ज्यादा मतलब ज्यादा पैसा जो दे बैंक के पास जो लोन ले रहा है ज्यादा पैसा या फिर जो ज्यादा पैसा डिपॉजिट कर रहा है सिर्फ उसी को ऐसे लोन ना दे, बाकी छोटे मोटे स्मॉल कल्टिवेटर्स या फिर फार्मर्स ट्रेडर्स इन सबको भी लोन दे, ये भी आरबीआई का ये काम होता है चेक करना। आरबीआई का काम ये भी होता है मतलब आरबीआई एक तरह जैसा हम जब हमने कहा कि हेड है तो हेड तो वही हुआ जो चेक करे सब बैंक को, अब बैंक जो है वो आरबीआई को अपना सब इंफॉर्मेशन ये शायद से ईयर के हिसाब से होता है या फिर मंथ के हिसाब से होता होगा, तो जो भी बैंक है वो आरबीआई को अपना एक पूरा
मतलब डेटा बना के देता है कि मतलब उसने किस किस को कितना पैसा दिया, किस इंटरेस्ट रेट पे और कब दिया, मतलब जो भी पूरा डाटा है वो सब डाटा बना के आरबीआई को सबमिट करता है। आरबीआई का और भी काम होता है, जैसे आरबीआई या कैश का जो अगर देखें तो कैश जो है वो सबसे पहले आरबीआई सारे बैंक को प्रोवाइड करता है, तो आरबीआई का एक काम ये भी है, इसलिए आरबीआई को हम एक तरह से हेड कहते हैं, जितने भी हमारे फॉर्मल सेक्टर्स में बैंक है उन सबका हेड है ये। सर डन। वेरी गुड। एक छोटी सी चीज सब लोग याद रखेंगे कि आरबीआई सिर्फ इसीलिए नहीं है कि वो मॉनिटर करे बैंक्स को, और भी उसके बहुत सारे काम है, जैसे फाइनेंशियल पॉलिसीज को वो करता है चेक, ठीक है, साथ के साथ अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो उसको फंड करता है, साथ के साथ अगर कोई कोई भी फाइनेंशियल, कोई भी इम्पोर्टेंस का कोई भी इशू है तो उसको भी वो चेक करता है, ठीक है। गवर्नमेंट तो का ही तो एक पार्ट है ना इन्फॉर्मल, आरबीआई। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, वो गवर्नमेंट का ही पार्ट है, गवर्नमेंट की बॉडी है, फिर ये फंड जैसे का क्या इलेक्शन कमीशन मतलब ऑफ इंडिया है, जैसे सीबीआई है गवर्नमेंट की बॉडी, वैसे ही सर? आपकी वॉइस रोल चली नहीं। गई। अभी आ रही बच्चों, यस सर। यस सर अब आ रही है। बच्चों यस सर आ रही है आ रही है। आपकी वॉइस। सर अच्छा ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही काम करती है कि जो उसको मॉनिटर करती है, बल्कि उनके अलावा और भी बहुत सारे काम करती है, राइट। यहाँ तक कि नोट छापने का काम भी उसी के थ्रू होता है, और जो हमारी करेंसी है इंडिया में तो रुपी है, उस रुपी, मैंने उसने बताया था आपको लास्ट टाइम क्लास में कि जो सिग्नेचर होते हैं का, या 5 रुपए का या 100 रुपए का, तो या उससे बड़ा या यस छोटा, आप उस पे देख सकते यस हैं सर। आरबीआई के गवर्नर के साइन, ठीक है। सब पाकिस्तान के भी छापे थे ना आरबीआई ने, जब आजाद हुआ था पाकिस्तान एक तरह से। सर सेपरेट हुआ था। हाँ, अगर आप चाहें वो 10 रुपए का नोट भी उठा के देखेंगे, या आप 2000 का नोट भी देखेंगे, तो उसपे भी कुछ ना कुछ इस तरह लिखा रहता है कि मतलब जैसे कि उसमें अगर आप देखें तो लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे दी बेरर दी यस सम ऑफ एक्स रुपीज वाई रुपीज, जो भी 10 रुपीज, 50 रुपीज, 50 रुपीज, 100, 500, 2000, जो भी नोट है आपके पास उस सर, तरह का पुराने नोट्स में नहीं लिखा लिखा रहता है होता इंग्लिश था क्या में। ये सर? नहीं, पुराने में भी लिखा एक रहता था रुपए के मैंने। नोट में, फिर 2 रुपए के नोट में। हाँ, 1 रुपए के नोट में लिखा रहता, मैंने वो बताया है, ये मैंने पहले ही बताया था, 1 रुपए के नोट में नहीं रहता था लिखा, बाकी ओके उससे सर। बड़े किसी भी नोट में आपको दिखाई, सर ऐसा ठीक है क्यों? बच्चों। उसका रीजन नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, तो थोड़ा लंबा सा है, ठीक ओके सर। है, ओके सर, क्योंकि सर मैंने सर याद रखना नोटिस उसके किया बाद। कि उसमें नहीं है आज। हाँ, एक के भी नहीं है, तो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था बेटा कि एक के नोट को अगर छोड़ दिया जाए सर मैं शायद तो सुन नहीं उसके पाया। बाकी उसके अलावा बाकी, हाँ ओके, मे बी हो सकता है एक के नोट में नहीं है, बाकी उसके अलावा 2 का, 5 का, 10 का, 100 का, 50 का, 20 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, पुराने नोट भी अगर आप देखोगे, नए यस भी सर। देखोगे, तो हर एक नोट में वो ऐसा है। हाँ, बस जो अथॉरिटी साइनिंग है, ऑब्वियसली वो रिटायर होते हैं, दूसरे आते हैं उनकी जगह, तो वो पर्सन चेंज हो जाते हैं, बाकी वो रहते हैं गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक की, ठीक है। सर एक चीज पूछनी है, सर। ओके बच्चों, यस सर। सर आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। यस सर, कट कट के आ रही है। सर लेंडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट का क्या मतलब है? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि चाहे वो कोई भी करेंसी नोट हो रुपए का, उसमें सबको किसका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। हाँ, वो बेसिकली ये है ना कि यस वो जो पेमेंट जो आप कर रहे हो, जो दे रहे हो, आपको जो लोन मिल रहा है, उसका वो आखिरी में कौन है, वो लेंडर बेसिकली कौन है, तो वो आरबीआई है। ये बाकी बैंक्स वाले अपने नोट छापते थोड़ी हैं, वो तो आरबीआई ही छाप के देता है ना इनको, बाकी लोग को देने के लिए।
और वहां से जाते भी डिपॉजिट होने के लिए आरबीआई में, इसलिए वो लेंडर ऑफ लास्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, ओके सर, गुड इवनिंग सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, गुड इवनिंग बच्चों, बाय सर, बाय बाय एवरीवन।